Okay, let's go to the our next topic is locating image. देखिए अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इस वीडियो में कि जब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब मान लीजिए कोई भी चीज से रोशनी की शाएं निकल रही हैं, तो आईने से टकराने के बाद उसका जो अक्ष बनेगा यानी उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा. तो लोकेटिंग मतलब मतलब उसकी निशानदेही करना, उसका मुकाम निशानदेही करना. किसका मुकाम? इमेज का मुकाम, के टकराने के बाद कोई भी चीज का अक्ष कहाँ बनेगा वो पता करना है. वो किसके लिए? कनकेव मिरर. तो देखिए इसके लिए हम कनकेव मिरर बनाए हैं. कनकेव मिरर याद है, कनकेव मिरर क्या होता है, हम एक बार बताए थे. ये चम्मच है, चम्मच का सामने वाले हिस्सा, मतलब यहाँ पे जब हम लोग फेस देखते हैं, ये वाला सिरा है, देखिए ऐसे मैंने बनाया. उसके बाद उसका थोड़ा पार्ट्स को दिखा देते हैं. पोल है यहाँ पे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इतना तो जानती हैं आप. और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होता है, फोकस यहाँ होता है, थोड़ा करीब होता है, इतना बता दिए. अब हम लोग का पहला पॉइंट है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वो चीज जिसका अक्ष बनने वाला है, वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, मतलब काफी दूर है. इन्फिनिटी मतलब काफी दूर है. तो उस चीज का अक्ष जब बनेगा तो वो कहाँ बनेगा? मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये चीज है. अब इससे रोशनी की शाएं निकलेंगी, काफी दूर है, तो उसका अक्ष कहाँ बनेगा? तो आप देखिए इससे रोशनी की शाएं निकली इस तरह से, क्योंकि ये पैरेलल है, टकराई पैरेलल वाला हम लोग जानते हैं. जब भी रोशनी शाएं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो फोकस से ऊपर गुजरती है. और अगर इस एक और शाएं इस तरफ से नीचे की तरफ से अगर भी निकली, तो अगर मान लीजिए बड़ा ऐसा है इस तरह से, तो इससे एक और शाएं अगर निकली तो वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो वो भी उसके फोकस से होकर गुजरी. देखिए तो हमको क्या पता चला कि जब ऑब्जेक्ट हमारा काफी दूर होता है तो उससे निकलने वाली रोशनी की शाएं, इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो फोकस से होकर ही गुजरता है. ये फोकस हमारे इसमें कनकेव मिरर में, और कन्वेक्स में भी लगभग ऐसा ही होता है, बट वो आईने के पीछे होता है. और एक चीज याद दिला दें कि वो जो अक्ष बनेगा, वो जो इमेज बनेगा, मान लीजिए यहाँ पे उस चीज, तो मान लीजिए फोकस पे हम बताए अक्ष बनेगा उस चीज का, तो वो कैसा बनेगा? तो वो होगा छोटा, देखिए इससे छोटा है, उल्टा है और हकीकी है. तो आप जब भी चम्मच से ही एग्जाम्पल लें, चम्मच के सामने अपना फेस रखें तो देखिएगा आपका जो फेस बनेगा वो छोटा होगा और उल्टा होगा. तो ये क्योंकि रोशनी यहाँ पे पड़ रही है तो चीज का जो अक्ष बन रहा है वो छोटा और उल्टा होगा. तो यहाँ लिख लेते हैं स्मॉल और इन्वर्टेड, उल्टा को इंग्लिश में इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है, और हकीकी यानी रियल. रियल क्यों? क्योंकि ये आईने के सामने ही बना है. अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. बियॉन्ड मतलब आगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे अगर कोई चीज हम खड़ी करें तो उसका अक्ष कहाँ बनेगा? तो पहले उससे रोशनी की शाएं निकालते हैं. बाकी सब चीज तो पता है आपको, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उससे दूर ये ऑब्जेक्ट खड़ा है. तो इससे पहले एक पैरेलल लाइन निकालते हैं, एक रोशनी की शाएं जो पैरेलल, क्योंकि रोशनी हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है. तो यहाँ से एक स्ट्रेट निकाले लाइन, तो ये टकराने के बाद हम देखिए कहाँ से होके जा रहा है, ये फोकस से होके जा रहा है, ये तो पहले भी हुआ था. अब इसी से एक और रोशनी की शाएं निकलेगी जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरेगी, देखिए इस तरह, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ से गुजरेगी और यहीं से टकरा के चली गई. हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना. हम इससे पहले बताए थे कि एक रोशनी की शाएं अगर पैरेलल जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल गई तो फोकस से होकर गुजरेगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस चली जाएगी. तो जब ये दोनों मिला, कहाँ मिला? इस पॉइंट पर, तो यहाँ पे उस चीज का अक्ष बनेगा. और एक बात आप लोगों को बताना भूल गए कि याद रखिएगा कि जब अक्ष बनता है तो कहाँ बनता है. देखिए क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट खड़ा होता है ना, एक चीज खड़ी होती है मिरर के सामने, तो उससे बहुत सारी रोशनी की शाएं निकलती हैं और टकराती हैं जाती हैं बहुत सारी. लेकिन अमूमन हम सिर्फ दो रोशनी की शाएं को लेते हैं जो टकराने के बाद एक पॉइंट पे मिलती हैं. तो हम यहाँ पे हमेशा जब भी अभी हम काम करेंगे हम दो शाएं निकालेंगे इस हमारे ऑब्जेक्ट से, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट से मैंने दो शाएं निकाली, पहले इसके पैरेलल निकाली, दूसरा कर्वेचर से गुजारी. तो दोनों जब जहां मिला वो मिला यहाँ पे, तो जहां मिलेगा वहीं पे अक्ष बनाएंगे,
तो जो शाखाएं टकराने के बाद जहां मिलती है वहां पे हम अक्ष बनाएंगे, सब में हम ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे अक्ष बना, ये अक्ष कैसा है, तो ये अक्ष देखिए उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे भी अक्ष जो बनता ना, यहाँ पे उल्टा बनता, ठीक है। ये वाला मैंने दिखाया नहीं है पर उल्टा ही बनेगा, ठीक है। ये वाला देख लीजिएगा लास्ट वीडियो में, लास्ट टॉपिक पे, और इस टॉपिक में भी ये उल्टा बनेगा। तो हम बताए थे क्योंकि ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है, तो इसमें स्मॉल बनेगा, छोटा बनेगा। देखिए ऑब्जेक्ट कितना बड़ा, इमेज कितना छोटा बना उसका, अक्ष इन्वर्टेड उल्टा बनेगा और रियल बनेगा। और कहाँ बनेगा, लोकेशन क्या होगा उसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहां तक समझ में आया, चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। सो देखो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब फिर हम वही सब चीजें बनाए हैं, दोबारा मिरर बनाए हैं, उसका सब पार्ट्स को दिखाया। अब बोल रहे हैं जब हम अपने चीज को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, मान लो ये चीज है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, तो इसका इमेज जो बनेगा कहाँ बनेगा, तो पहले से इससे देखो एक रोशनी शाय निकली, पैरेलल निकली, तो फोकस से होकर गई, इस तरफ चली गई फोकस से होकर, फिर देखो इससे और एक रोशनी की छाया निकले इस तरफ, और क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तो है ही नहीं, क्योंकि खुद ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा है, तो ये भी फोकस से होके गुजरी, तो टकराने के बाद ये कहाँ चली गई, पैरेलल चली गई इस तरफ, समझी। जब पैरेलल पास करवाए तो टकराने के बाद फोकस से गई, और जब फोकस से गुजारे तो टकराने के बाद पैरेलल चली गई, सीधा उसका उल्टा हुआ, टकराने वाइज चली गई, देखो इस तरह चली गई। अब देखो ये रोशनी की छाया टकराने के बाद यहाँ निकली, और ये टकराने में ये निकली, ये दोनों कहाँ मिला, ये दोनों जिस पॉइंट पे मिला वहीं बनेगा मेरा इमेज, यहाँ बन गया मेरा इमेज। तो ये इमेज कैसा बनेगा, ये जो होगा ये भी उल्टा बना, देखो ये था हमारा ऑब्जेक्ट, इसका जो अक्ष बना ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, और ये उल्टा होगा, ठीक है। और एक और चीज ध्यान दो कि ये हमारे ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है ना, देखो ये छोटा है, ये वाला देखो, ये हम इसे दिखा रहे हैं, ये वाला देखो इसका जो इमेज बना, ये वाला इससे बड़ा लग रहा है ना, तो क्या हुआ इसका, हम क्या क्या लिखेंगे, बिग बड़ा है, उल्टा है, इन्वर्टेड रियल है, रियल लिखना है, और कहाँ बना, ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। वो तो देखिए क्लास, अब हम लोग का फोर्थ नंबर स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन, मतलब बीच में, या फोकस या सेंटर, इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट को रख दिए इस तरह से। अब इससे दो शाएँ निकालते हैं, पहला शाय इसके पैरेलल ही जाएगा, और चौकड़ाने के बाद इस तरह से ऐसे गुजर जाएगा, जानते हैं पैरेलल ज़्यादा तो फोकस से होकर गुजरता है ऐसे। एक और रोशनी की शाएँ इस तरफ से निकलेगी और यहाँ टकराने के बाद यहाँ गई, और टकराने के बाद ऐसे इधर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरफ गुजरी, और यहाँ पर स्ट्रेट हम खींच गई, और यहाँ से फोकस से भी जा रही हैं, और जाके देखिए दोनों एक पॉइंट पर मिलती हैं, और जिस पॉइंट पर मिलती हैं वहीं पर हमारा क्या बनेगा, इमेज। देखिए तो हमारा ये इस तरह से इमेज बन गया। तो देखिए ये इमेज हमारे ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है, तो क्या क्या इसका स्टेटमेंट होगा, इमेज का ये कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं साइड में, खुशूसियत क्या होगी, इमेज बड़ा बना। तो यहाँ मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, बिग यानी बड़ा बना है, ऑब्जेक्ट यहाँ था और उसका इमेज उससे बड़ा बना है, इन्वर्टेड उल्टा बना है, रियल यानी आईने के सामने बना है, और बियॉन्ड सेंटर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, यहाँ पे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से काफी दूर बना है, ओके, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो देखो फिर से मैंने मिरर ड्रॉ किया है, मिरर ड्रॉ करने के बाद डिफरेंट पार्ट्स का नेम लिखा है, अब बोल रहा है कि हमको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, फोकस पे, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है फोकस पे। तो अब इससे दो रे ऑफ लाइट निकालेंगे, सबसे पहला इससे स्ट्रेट लाइन एक निकलेगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हम सब में ऐसा ही हुआ है निकला, और फिर ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, इनकास के बाद फोकस से होके गुजरा इस तरह। एक और रे ऑफ लाइट निकलेगा यहाँ पे, जो इनकास के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकला, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फोकस से निकला एक रे ऑफ लाइट, और ये इससे टकरा के सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे ऑफ लाइट पास हुआ, दोनों रे ऑफ लाइट
मिल ही नहीं रहा है, जैसे कि यहाँ पे जाके दोनों मिला था ना, लेकिन यहाँ पे तो मिल ही रहे हैं, दोनों अलग अलग है। यानी इसका जो इमेज बनेगा उल्टा ही बनेगा, साइज में बहुत ही बड़ा होगा और इसको नक्शे में नहीं दिखाया, इतना बड़ा होगा। यानी कि ये बहुत दूर जाकर अगर मिला तो मिला, और अगर इतना दूर जाके मिलेगा तो जाहिर सी बात है काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि देखो ये थोड़ा दूर जाके मिला तो कितना बड़ा हुआ, तो ये काफ़ी बड़ा होगा। तो सेम प्रोसेस होगा, काफ़ी बड़ा, वेरी बिग, इन्वर्टेड उल्टा ही बनेगा, हमेशा याद रखना ये। इसमें हमारा कनकेव मिरर में उल्टा ही बनता है, इन्वर्टेड रियल एंड बियॉन्ड द मिरर, मिरर के काफी दूर बनेगा। ओके, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। ओके, लोकेटिंग द इमेज में अब हम लोग का ये लास्ट टॉपिक है लोकेटिंग द इमेज में, जिसमें हम लोग व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ खड़ा करना है, फोकस और पोल के बीच में, यानी पोल जानते ही है और ये फोकस, इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट को हम खड़ा करते हैं। उसके बाद अब हम इससे रे ऑफ लाइट पास करते हैं, तो हम जानते हैं इतने देर से हम लोग करके आ रहे, एक पैरेलल जाएगा और पैरेलल जाने के बाद इस तरह से फोकस से होकर निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट होगा दूसरा रे ऑफ लाइट, ये ऊपर से ऐसे जाएगा और जाने के बाद हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे चला गया। तो इस दोनों हालतों में हम लोग ये देखे कि दोनों तो मिल रहा नहीं है, लेकिन अगर इस पॉइंट को इस तरह लेके जाए यहाँ पे और इस पॉइंट को इस तरह लेके जाए यहाँ से, मतलब ये रे ऑफ लाइट अगर हम आईने के पीछे उसको आगे ले जाएं और इसको भी इसके आईने के पीछे ले जाएं, तो हम देखेंगे एक इमेज फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। इसको डॉट डॉट करके दिखाया है तुम्हारे बुक में, क्योंकि ये आईने के पीछे बन रहा है, तो जब भी कोई भी इमेज आईने के पीछे बनता है तो वो रियल नहीं होता, वो होता है वर्चुअल यानी मजाजी, और बिग है। नेक्स्ट कैरेक्टर इसका क्या है, वर्चुअल बिग हो गया, सीधा है, एक और चीज सीधा है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेट बोल सकते हैं, स्ट्रेट सीधा है और कहाँ पे है, पीछे, बिहाइंड द मिरर। तो आपको समझ में आया, मैंने हर एक स्टेप में जहाँ इमेज फॉर्म होगा वो बताया है। ये लोकेटिंग इमेज का टॉपिक खत्म होता है।